फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे इंटायर टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, सूरज माटी जी का और किरण गोलानी जी का और तमाम पूरे इंटायर टीम जो मुझे जफर भाई पीरजदा सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और ये छः महीने का सफ़र रहा बड़ा कठिन सफ़र रहा और आज ये सक्सेसफुल हुआ। बहुत खुशी हो रही है दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड में श्वेता सिन्हा और तमाम ऐसे अंजलि पांडे वगैरह जैसे बहुत रिधिमा तिवारी जैसे बड़े सेलिब्रिटी इसमें शामिल हुए, सपोर्ट किए मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और ऐसे तमाम लोग आए इस अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद अपना ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और सक्सेस रहा इसके लिए। आप सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपके बिना पॉसिबल नहीं है कि कोई कुछ काम कर पाए, सपोर्ट कर पाए, तो आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गाना चालू हो गया? नहीं, गाना बंद कराओ। बंद है। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के, आपने ये अवार्ड स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर है, तो इस इनिशिएटिव को क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अच्छी बात है ना कि ये क्या है, दादा साहेब फाल्के में और कैटेगरियाँ थी, ये केवल फिल्म और टेलीविज़न के लिए है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के, लेकिन ये इंडियन टेलीविज़न और फिल्म के लिए था और जो सोशल वर्क इस फिल्म इंडस्ट्री में रह के सोशल वर्क कर रहे थे उन लोगों को हमने सम्मानित किया और कुछ मॉडल्स जो सक्सेस मॉडल हैं उनको सम्मानित किया।
तो ये अपने आप में एक आज कलर देखने मिला और आज इसका शुरुआत है, आगे चल के बड़ा होगा मुझे उम्मीद है। आज का जो एप्रिसिएशन मिला लोगों का, जो सपोर्ट मिला लोगों का, ये मिला तो मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत ये रहा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों से हमने सुना काफी परेशान रहे, सोए नहीं इस अवार्ड के कारण, क्या कहना चाहिए? बहुत पेन, बहुत पेन, मैं बोल नहीं सकता। ऐसा है कि मैं रात को 1:30 बजे तक कल अवार्ड कलेक्ट कर रहा था, मैं था, मेरे दोस्त लोग थे, और फिर सुबह 6 बजे से निकला हूँ मैं, शॉल लेना, ये लेना, वो लेना, बड़ी कठिनाई थी, लेकिन आज सक्सेस हो गया, फिनिश हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि अब आज जाके खूब सोऊंगा और खूब आराम करूँगा। अंकल जी, हमने सुना है कि अभिजीत रानी जी आए, उन्होंने आपको प्रोत्साहन किया, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अमरजीत जी मिश्रा जी आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट महाराष्ट्र के, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिजीत जी राणे और अमरजीत जी मिश्रा को। यही प्यार बांट रहा हूँ, प्यार बांटते चलो, इसीलिए सुबह से देखो मुरझा गया है बेचारा। अखिलेश जी, लगभग कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? आज हमने दादा साहेब फाल्के तकरीबन 100 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया, 100 लोगों को हमने सम्मानित किया आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। और जितने लोग सौ लोगों को हमने सम्मानित किया आज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, और जितने भी लोग आए और मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बधाई दे के गए, कॉन्ग्रेचुलेशन कह के गए, क्योंकि वो लोग खुश हो के गए, मतलब कहने का मतलब है मेरा अवार्ड शो सक्सेस है। जी अखिलेश जी, आज ये सक्सेसफुल रहा पूरी तरह से इवेंट, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान शैलेश सर का भी रहा, मुंबई रफ्तार का काफी रहा, क्या कहना चाहेंगे शैलेश सर के? इसके पहले बोल चुका था मैं, सभी किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, लेकिन शैलेश का योगदान रहा। शैलेश बहुत फर्स्ट डे से ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बिना उनके तो मेरा बोल भी नहीं सकता। काफी चीजों में उन्होंने मदद की, केवल खाली मीडिया का ही नहीं, बहुत सारी चीजों में उन्होंने मदद की, मुझे हिम्मत भी दिया। बात ये है कि सपोर्ट कर रहे हो नहीं, साथ में मुझे हिम्मत भी दिया कि पीछे नहीं हटना है, करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान भी करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नाम अखिलेश है और मैं जिस जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ, उसमें अखिलेश शैलेश भाई का सपोर्ट रहा मुझे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल जी, आप मीडिया कर्मी है और मीडिया के हिसाब से आप एक मोटिवेट कर रहे हैं, आप मीडिया वाले लोग को क्या संदेश देंगे मोटिवेट होने के लिए? बस यही मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग भी निकले हैं वहां से, अब मतलब काम करते हैं, आज भी करते हैं, वैसा नहीं है, आज भी कर रहे हैं सारी का, बस यही कहेंगे कि सब मिल के आगे बढ़े। हम लोगों ने एक संस्था भी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, बहुत जल्द ही आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इसीलिए हम लोग करना चाह रहे थे कि हमारे में से भी लोग निकले, आगे जाएं, बढ़े। ये लोकतंत्र है, आज़ाद देश है, यहाँ हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आगे बढ़ना चाहिए हर किसी को। तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे आया हूँ, वैसे और भी लोग आगे आए, हमारी यही प्रेरणा है, यही संदेश है लोगों को। जो नए लोग हैं जैसे सुब्रा रॉय है और ये हैं, तमाम सब सारे जो मेरे को 15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं सब, तो यही है कि इसमें से भीड़ में से निकल के हम कोई काम तक पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच, हमारे कठिन सवाल के जवाब देने के लिए। चलो पैक अप, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए आज अवार्ड से नवाजा गया? ओके सर, बंद कर दो क्या? थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आप सबका, धन्यवाद, और हमारे अखिलेश जी का जिन्होंने इतना अच्छा अवार्ड आज दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आज मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हूँ एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अखिलेश जी ने थोड़ी कम मेहनत में हम लोगों को इन्वाइट किया, तो
तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, और हमारे मीडिया लोगों के लिए और ज़्यादा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि वो हमेशा हमें इतने प्यार से मिलते हैं और बताते हैं। तो हम आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। इस अवार्ड के बारे में मेरा आज का एक्सपीरियंस इतना सही रहा है कि लोग कहते हैं कि मैं भी अवार्ड करूँगा, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया आज, ये हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट था, और जो कहा वो उन्होंने किया है। थैंक यू सो मच, आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन। और अभी जो कोरोना है, जो हमको अभी सरकार की जो वैक्सीन निकली है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। सरकार ने जो हमारे देश के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए हर किसी को। और नमस्कार, सवाल क्या है, इवेंट क्या है दादा? इन्होंने मैडम अरे फोन चलिए मैम, क्या कहना चाहिए, अवार्ड था आज, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेटर फील कर रही हूँ। और कैसा महसूस लगा आपको अवार्ड शो? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आज वैलेंटाइन डे भी है, क्या कहना चाहिए? क्या कहूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को प्यार मिला, बहुत सारे, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आज अवार्ड शो है, क्या कहना चाहिए दादा साहब? सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देन अखिलेश जी को थैंक यू करना, इतना अच्छा, इतना बड़ा इवेंट्स करके उन्होंने सबका दिल जीता। आज वैलेंटाइन डे है, क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है कोई, क्योंकि मैं सिंगल हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले आपका नाम से परिचय से हम शुरू करेंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको दिया, एक मान सम्मान होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा दिन गया आज का? आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, आज वैलेंटाइन डे था, तो सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करें। बट मैं लाइफ का जो जितना साल मैंने मेहनत की उसका जो ये फंक्शन था, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुझे मिला यहाँ पे, बेस्ट यूट्यूबर अवार्ड था यहाँ पे, अखिलेश जी ने मुझे बुलाया था और फिल्मोरा की तरफ से मुझे यहाँ पे इन्विटेशन आया था, काफ़ी अच्छा लगा। और ये मेरा पहला साल था इस अवार्ड शो में, और उम्मीद करूँगा कि आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर बनाऊँगा। जान कृष्ण मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसी तरह की करूँगा। आपका भी सपोर्ट, जो मीडिया वाले ने इतना सपोर्ट किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, उठाओ चलो, थैंक यू।